क्या हाल है भाई। उम्मीद है सब जेंगो चल रहे होंगे। सबसे पहले करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच पे बात। मैच से पहले और उसके दौरान के जज्बात इस ट्वीट में बेहतरीन पेश किए गए। सच बताऊं तो इंडिया और न्यूजीलैंड से ज्यादा अफगानियों से डर लग रहा है। ये भी हमारी तरह मेंटल हैं, किसी दिन कौन सी क्रिकेट खेल दें कुछ पता नहीं। आंटी ने भी ये जज्बा भरपूर कैप्चर किया। हाँ, धबा धब हो रहा था और जब 12 गेंदों पर 24 रन दरकार थे तो फीलिंग तो आ रही थी कि भाई हड़ाहुड़ी मच चुकी है। लेकिन फिर किंग आसिफ अली आए और करीम जन्नत के एक ओवर में 4 छक्के लगाए और बाजी ले गए। अफगानिस्तान और उनकी टीम इस वार से हिली गई होगी, लेकिन हम लोग भी हिल गए कि भाई ये हुआ क्या है। इसका जवाब उस्मान समीउद्दीन ने दिया। कुछ दिन पहले आसिफ अली के बारे में लिखा था कि वो सिर्फ 6 नहीं मारते, उनका बल्ला साथ साथ बॉलर की रूह भी ले जाता है। जाहिर है ऐसी कारकर्दगी के बाद आसिफ भाई ने हल्का तो आना नहीं था। होल कुछ मेरे लाइक रिमेम्बर द नेम आसिफ अली। और यही बात इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने भी ट्वीट की। फिर ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने पर आसिफ अली को अप्रिशिएट भी बहुत किया गया। डीन जोन्स ने तो हमेशा ही किया था। फिर इनको उस्ताद चौधरी फयाज गुज्जर ने एक भैंस गिफ्ट कर दी। मरियम नवाज ने भी मुबारकबाद की कोशिश की, लेकिन उनसे हो ना पाया। आसिफ अली के बजाय मोहम्मद आसिफ को दे दी, जिस पे वो बोले कि फूंकता मैं हूँ, घूम ये रही हैं। हो सकता है उनका ध्यान मलिक अजहर की तरफ हो, जो कहते हैं मार डालेगा तेरा ये जमाल मुझे, छोड़ सियासत और आके संभाल मुझे। या अपनी बर्थडे में बिजी हो, अटेंशन उनकी वीडियो कॉल पे हो जहां मियां साहब उनके लिए केक काट रहे थे। केक गालिबन पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में भी बहुत कटा है। दूसरी टीम्स का काट के हमारी टीम केक काटती है। और फिर मैथ्यू हेडन की बर्थडे के लिए भी कटा। लेकिन पिछले मैच का केक जब कटा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखें जरा बेचारे मोहम्मद वसीम जूनियर कितने एक्साइटेड हैं किसी को केक खिलाने के लिए, लेकिन शादाब हसन अली दोनों मुकर गए, लिहाजा उन्होंने अकेले खाया। अकेले की बात पे केले का जिक्र छेड़ूंगा मैं, एक प्रोग्राम में ये बातें हो गई। तो बॉम्बे का इतना बड़ा केला है, ढाका का केला इतना लंबा केला है, अच्छा असल का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है। बहुत रहम आया मुझे अलवीना बीवी पे। ख्वाजा नवीद केले की लंबाई पे बातें करते रहे और इस चक्कर में इनकी हंसी छूट पड़ी। आप या मैं होते तो हमारा भी यही हाल होता। खैर, आसिफ अली को जितना भी अप्रिशिएट किया गया, उन्होंने मिसबा को भी अप्रिशिएट किया। सारे कोचेस का शुक्रिया, स्पेशली मिसबा भाई ने बड़ा बैक किया। लेकिन इस पे खिलाफ तवक्को यूनस खान बड़ी घटिया बात कर गए। इनकी नजरें नीचे क्यों थी? यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, दबान में कुछ और, दिल में कुछ और था वैसा? मुझे ऐसा लगा। बड़ा दिल खराब हुआ यूनस भाई की इन बातों को सुनकर। बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, उनका एक दफा इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। बड़े अच्छे इंसान मालूम होते थे। ऐसी बेकार की तनकीद करना ऐसी शख्सियत को जेब नहीं देती। फिर तनवीर अहमद ने सोचा कि भाई घटिया बातें हो ही रही हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। अच्छी बैटिंग या बॉलिंग करते हैं, प्लेयर्स के नाम क्यों लेते हैं, बड़े हो जाओ। ये कैसी बात हुई यार, अगर आपका किसी ने बुरे टाइम पे सपोर्ट किया है तो अच्छे टाइम पे आप उन्हीं का नाम लोगे ना, जिसका बेहतरीन मुजाहिरा मिसबा उल हक ने ही किया। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे लिए था कि यूनुस खान को मैंने उस टाइम देखा। शुक्र है पाकिस्तान की ये टीम अभी तक सियासत से महफूज है। देखने से लग तो रहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा चल रहा है, सबकी आपस में चिलिंग चल रही है और प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी कि जो ये वाला एक ग्रुप है इसके अंदर यू नो दे आर हैप्पी विद ईच अदर सक्सेस। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर दे बैक ईच अदर। खैर, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में भी कॉमेडी का सिलसिला जारी रहा। एमएनए दी है, कहते हैं किस एमएनए की कुर्सी है। फिर अफगानिस्तान के नबी, सबसे मुश्किल काम है भाई, 5 मिनट में मेरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। डेविड वार्नर ने कोक की बोतलें हटाने की, कहते हैं क्रिस्टियानो के लिए ठीक नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। अपने शाहीन अफरीदी भी पीछे नहीं थे। बाबर आजम ने आपको पहले बॉल दिया? नहीं, वो तो मुझे हर रोज बॉल देते हैं। ईमानदारी से बताऊं तो ये ह्यूमर मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन जितना प्यार शाहीन पे आया हुआ है जाने देंगे। ऐसा ह्यूमर लेकिन उनकी होने वाली मिसेस को जरूर समझ में आया, उनमें भी यही जरासीम है। और इस पे एक अलग मसला बन गया। शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा अपने मंगेतर शाहीन को सपोर्ट करने दुबई ग्राउंड में। शाहीन इंशा को देखकर फ्लाइंग किस करता रहा, वीडियो वायरल। शाहिद सर भी ग्राउंड में मौजूद थे और उन्होंने भी आसिफ अली को अप्रिशिएट किया। और आसिफ अली
सर आपको लगा कि आज शाहिद अफरीदी खड़े हैं उधर? शाहिद अफरीदी से ज्यादा अच्छा खेल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन एक जर्नलिस्ट बेकार बातों पे उतर आया। कुछ ऐसा खौफ है कि आप लोग पीछे गवर्नमेंट चेंज हुई है, हालात चेंज हुए हैं तो आप वापस जाएंगे, आपसे पूछ के छोड़। पॉलिटिक्स और खेल को दूर रखा जाए तो मेरे नजदीक ये बेहतर है, क्रिकेट इन तमाम चीजों से ऊपर है। वैसे भी कुछ नहीं पता पीछे मुल्क में क्या चल रहा है। तालिबान ने चीनी वजीर खारजा को तोहफे में निस्वार पेश कर दिया और ये भी अफसोस की बात थी कि इनके कैप्टन असगर अफगान मिड टूर्नामेंट रिटायर कर गए। सालों की सर्विस के बाद कहते हैं कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद बहुत तकलीफ हुई और सोचा कि अब रिटायर का टाइम आ गया है। वहाँ भाई साथ मिलके एंजॉय करें जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में दोनों ममालिक के स्टूडेंट्स कर रहे थे। एक कहावत है कि बी हम्बल इन विक्ट्री एंड ग्रेशियस इन डिफीट, जिस पे मुकम्मल अमल शाह नवाज दहानी कर रहे हैं। इस तरह की अजीब हरकतें करना मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी जरूरी है। हराने के बाद दूसरे को चिढ़ाने का हक सिर्फ इन अंकल के पास है। अफगानिस्तान वाले वैसे ही इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनके जख्मों पे मजीद नमक छिड़कने की कोई भी जरूरत है। ये तो खैर फेक न्यूज है कि उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद से ही किसी तरह मैनेज किया। और वैसे भी यार हम इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले सभी सेम हैं, यकीन नहीं आता तो देखें। मैच वाले दिन अफगानिस्तान के सपोर्टर बगैर टिकट लिए स्टेडियम के बाहर हड़ाउड़ी मचाने लगे। क्या हम ऐसी हरकत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया की टीम सिर्फ 2 मैच हारी और उनके सपोर्टर पलट गए। पूरा टीम बेकार है, अभी बेटर है कोई दूसरा टीम चला जाए। ये भी हमारे यहाँ होता है। और राशिद खान भी उमर अकमल जेंट्री के निकले। जिंदगी मोहम्मद शहजाद भी हमारे ही जैसे हैं। खाने पीने के अलावा मैं ज्यादातर सोने का ज्यादा शौकीन हूँ। फिर इन भाई को देखें जो स्टेडियम में फिजिकली प्रेजेंट ना हो सके तो वर्चुअली हो गए और ये तीनों ममालिक में से किसी के भी हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल मजीद आईना दिखाने की जरूरत है। लेकिन अब इंडिया की टीम तकरीबन बाहर ही हो गई है, जो कि अफसोस की बात है क्योंकि शायद हमें कोहली, बुमराह, केएल राहुल को फुल फॉर्म में देखने का मौका ना मिले। लेकिन हिंदुस्तान को अपने माजी का चौड़ापन भारी पड़ गया। कुछ टाइम पहले हार्दिक पांड्या कह गए कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि 2 और टीमें भी चुन के हम कोई भी कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं। चुन ही लेते यार अभी वाली टीम से तो हो नहीं पा रहा, जिसने 10 ओवर में एक बाउंड्री नहीं की, आउट ऑफ फॉर्म हसन अली से भी कम विकेटें ली और पूरी टीम के इस टूर्नामेंट में छक्के आसिफ अली से कम है। नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले आप लोग ने सोशल मीडिया पे ये कार्ड देखा होगा। आवाम कंफ्यूज चल रही थी कि ये है क्या। इस पे काफी मीम्स भी बने। कुछ लोगों को लगा कि ये स्क्विड गेम्स पाकिस्तान आ रहा है। फौरन दर्जी को फोन कर दिया कि हमारे साइज में ट्रैक सूट बना दो। स्क्विड गेम अगर पाकिस्तान आया तो जो पहला वाला गेम था उसमें अगर सेल वाली आंटियां खेल रही हुई तो वो तो हार जाएंगी, उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता, वो फौरन भाग जाती हैं। जीतेंगे तो सिर्फ सरकारी अफसरान या फिर छोटे बहन भाई जो के हिलने का नाम नहीं लेते। फिर गंदे लड़कों को लगा कि ये किसी लेडीज का नंबर है, कॉल करने की कोशिश की कि अगली महबूबा यहाँ मिलेगी। लेकिन फिर पता लगा कि भाई ये तो सेवियर का 11-11 कैंपेन है। कार्ड का मतलब 11-11 दोबारा 13। इस बार 11 नवंबर पे सेवियर पे होगा 11 करोड़ का कैशबैक। जिसको नहीं पता मैं बताता चलूं कि सेवियर एक ऐसी ऐप है जिसपे आपको शॉपिंग करने पे पैसे वापस मिलते हैं और ये कैशबैक्स आप मल्टीपल ब्रांड्स पे ले सकते हैं, जैसे दराज, ईएलओ, नाहिद, बैग गैलरी और 250 मजीद ब्रांड। अब आपको पैसा दिख रहा है तो जाहिर है पूछेंगे कि ये मिलेगा कैसे, हमारी जेब में कैसे आएगा। इसका तरीका आसान है, डाउनलोड करें सेवियर की ऐप मेरे दिए गए रेफरल लिंक से। इस पे तो आपको पहले 250 रुपए का बोनस मिलेगा अपनी फर्स्ट परचेस ऑफ रुपीज 1000 एंड अबव पे। फिर आप सेवियर ऐप के थ्रू बताए हुए ब्रांड्स पे खरीदारी करें और हासिल करें कैशबैक। ये कैशबैक आपके सेवियर वॉलेट में आ जाएगा और फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने ई वॉलेट या बैंक अकाउंट के थ्रू। तो हाँ, है तो एक तरह से स्क्विड गेम्स ही, पैसे मिल रहे हैं, बस जान नहीं देनी पड़ रही। जान देने के लिए आप जारू अरेंज कर लें तो फौरन डाउनलोड करें मेरे दिए हुए रेफरल लिंक से, वरना ऑफर हो जाएगी 9-2-11। आप लोग कैशबैक की कैलकुलेशन करें, तब तक टीम इंडिया अपनी कैलकुलेशन में लगी हुई है। जो हाल हमारा होता था पहले, अब उनको सेमीफाइनल में आने के लिए अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को बड़े मार्जिन से हराना होगा। अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड हरानी पड़ेगी और खैर न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और नामीबिया को तो हरा ही लेगा। बेसिकली इंडिया को हर टीम को ऐसे हराना है जैसे बांग्लादेशी वुमेन ने मालदीव वुमेन को हराया, और उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को दबा दे। अगला मैच हमारा नामीबिया से है। इंडिया से तो काफी टाइम से फड्डा चल रहा है, न्यूजीलैंड वाले आके भाग गए थे। अफगानिस्तान वालों के साथ भी ऑन एंड ऑफ पंगा चलता रहता है। नामीबिया के साथ एक मामूली सा मसला था कि उन्होंने हमारे कपास का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था,
लेकिन हम फिर भी बदलाव लेंगे। लेकिन आसिफ अली और दीगर प्लेयरों की बदौलत अभी तक सारे मैचेस हम जीत गए हैं और टॉप ऑफ द टेबल चल रहे हैं। इंग्लैंड की तरह अनडिफीटेड सेमीफाइनल स्पॉट हाथ में है। आजकल बॉर्डर ढाका के केले की तरह काफी मोटा लग रहा है। अगले मैचेस में मेरे ख्याल से हफीज की जगह हैदर अली को चांस बनता है क्योंकि प्रोफेसर साहब बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और बेचारे हसन अली का जनरेटर का भी प्लग शॉर्ट है, तो वसीम जूनियर को भी चांस मिले कब तक अकेले केक खाएगा। तो इंशाल्लाह आइंदा मैचेस में भी मजा आता रहेगा, या तो ढाका के केले की तरह अकेले देखें या यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ मिलके लेकिन तमीज के दायरे में एंजॉय करें। लेकिन एक बात मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि इस टाइम पे लोग शादियां कैसे कर रहे हैं। आपने वो खातून की वीडियो तो देख ही ली होगी जिसमें वो गर्म चल रही है, और भी शादियों की वीडियो आ रही है। ये जैसे दूल्हा जिसको कोई मुंह नहीं लगा रहा सब मैच में लगे हुए हैं, रात को इनकी दुल्हन भी इनके साथ यही सलूक कर रही होगी, और फिर एक जगह तो मैच की वजह से रुखसती भी रुक गई। इन शादियों में भी ढाका की केले की जरूरत पड़ सकती है। चले जी आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के बाद। पसंद आई तो मुझे प्लीज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले मैच के बाद।